हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। गर्मियां आ गई और बहुत से लोग कॉटन के कपड़े पहनने स्टार्ट भी कर चुके होंगे और बहुत से लोग साड़ी भी पहनते होंगे, तो वो कॉटन की या कोई पतली साड़ी पहनते होंगे। पर उन पुरानी साड़ियों का क्या, जो 10-15 साल पुरानी है, उनका भी तो कुछ यूज़ करना है ना। तो आज के वीडियो में उन्हीं साड़ियों का यूज़ होने वाला है। तो हमने भी ले ली है, ये एक साड़ी रेड कलर की बिल्कुल है और इसमें कढ़ाई हुई पड़ी है पूरी भरी भरी। इसको हमने कर लिया है 4 फोल्ड और 4 फोल्ड करने के बाद, जैसा कि आपने देखा, एक बार और फोल्ड कर दिया है। 4 इंच में निशान लगा के इस तरह से पट्टी काट ली है। अब ये पट्टी जिस तरह से है उसी तरह से दोनों तरफ से कट कर देंगे, इसको खोलेंगे नहीं, क्योंकि हमें चाहिए रेक्टेंगल पीस। अब कपड़े को लंबाई में लेंगे, ऊपर से फोल्ड करेंगे, हाफ में फोल्ड करके एक ट्रायंगल बनाएंगे और उसको एक बार और फोल्ड कर देंगे, तो कुछ इस तरह का पीस बन के रेडी हो जाएगा। बेस के कपड़े के लिए आप चाहें तो पुरानी जीन्स पैंट या तो फिर किसी और मोटे कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। आज का मैट थोड़े से अलग डिज़ाइन में बनने वाला है, इसीलिए हमने बकरम का यूज़ किया है और सर्कल बनाने के लिए जैसे हमें समझ में आया वैसे बुद्धि लगा के थोड़ी बहुत ऐसे वैसे हमने सर्कल कट कर लिया है। आपके पास अगर प्रकार वगैरह हो आप उसे कट कर सकते हैं या तो फिर कोई और तरीका अपना सकते हैं। हमने तो ऐसे कट कर लिया है और सही कट हो भी गया। आप चाहें तो बकरम के नीचे कुछ और कपड़ा भी रख सकते हैं या तो फिर इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने रख दिया है जो कपड़ा कट किया है उसी को और उससे थोड़ा सा बड़ा कट कर दिया है। अब इसी को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। किनारे किनारे कपड़ों को कट करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। अभी पहले हमने आपको जैसे पीस बनाना बताया था उसी तरह से बना लेंगे और जो सर्कल है उसमें बाहर की तरफ ट्रायंगल को रखते हुए सिलाई लगा देंगे। जो प्लेन वाला हिस्सा होगा वो बाहर आएगा और जो फोल्ड कर रहे हैं वो वाला हिस्सा नीचे जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। एक के बाद एक इन पीसेस को लगाते जाएंगे और इनको एक दूसरे के ऊपर नहीं रखेंगे, हल्का सा दूरी छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, एक लाइन तो पूरी हो चुकी है। अब ये जो नीचे कपड़े दिख रहे हैं इन्हें भी सिलना है, तो सिलने के लिए ऊपर ही ऊपर जो कपड़ा है तो एक नोक को पकड़ना है, अंदर की ओर मोड़ना है और उसमें सिलाई लगा देना है। जो उसके आगे वाली नोक नीचे दबी हुई है उसको नीचे ही दबे रहने देना है। तो नीचे वाली नोक को नीचे दबा देना है और ऊपर वाली कपड़े की नोक को अंदर की ओर फोल्ड करना है और सिलाई लगा देना है। अब जैसा कि आपने देखा कि हमने नीचे एक सिलाई और लगाई है और जो बीच में काफ़ी गैप सा दिख रहा था वहाँ भी एक सिलाई लगाई है, तो हमने 3 सिलाइयाँ लगाई हैं। तो इसी तरह से 3 सिलाइयों को लगा लीजिएगा तो ये जो पीस बना हुआ है एकदम से कपड़े में फिक्स हो जाएगा और ये देखने में भी सुंदर लगेगा। अब दूसरी लाइन लगाएंगे तो दूसरी लाइन में जो पीसेस लगाएंगे वो 1 इंच ऊपर से जगह छोड़ देंगे और फिर लगाएंगे। लाल रंग की वजह से थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, पर थोड़ा सा वीडियो और आगे देख लीजिए, दूसरा कलर जब चेंज होगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बस उसी प्रोसेस को आप रिपीट करते जाइए और बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से ये रग बनके तैयार हो जाएगा और जितने चाहे आप इसमें कलर यूज़ कर सकते हैं और पुरानी साड़ियों से ये एक बढ़िया सा मैट बनके रेडी हो जाएगा। इसको आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, अब चाहे डोर मैट की तरह इस्तेमाल करिए, डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करिए या तो फिर पूजा मैट की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं।
अब लास्ट में बीच वाले हिस्से को भरने के लिए आप चाहे तो कपड़े से गोल पैच बना के भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई रेडीमेड फ्लावर पड़ा हो तो आप वो भी लगा सकते हैं, कोई गोटा भी लगा सकते हैं, और नहीं तो फिर जैसे हम फ्रिल बना के लगा रहे हैं आप उसी तरह से लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है और अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक किए बिना मत जाइएगा। अगर आपको ऐसी और आगे वीडियोस देखते रहना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको ये यूज़फुल लगी है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये लाइक शेयर कमेंट सब कुछ बिल्कुल फ्री है, तो करा करिए ना, आप लोग करते क्यों नहीं है। रग की और भी वीडियो देखने के लिए रग एंड मैट की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिएगा। आपको वहाँ पे ऐसे बहुत सुंदर मैट के डिज़ाइन मिल जाएंगे जो कि आपके घर के पुराने कपड़ों से ही बने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और आइडिया के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।